व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंजीनियरिंग कॉर्नर में एक अदर वाटर पंप के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाटर पंप एक घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पानी की लाइन पे इसको सक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके बैरिंग हमने कैसे तब्दील करना है। इसका यहाँ पर एक बैरिंग लगा हुआ होता है, एक इसके साइड पर, बैक साइड पर यहाँ पर बैरिंग लगा हुआ होता है, और यहाँ पर ग्लैंडोरी लगी हुई होती है। ग्लैंडोरी कैसे तब्दील होगी, और इस हेड के अंदर जो है चार वॉल लगे हुए होते हैं, दो सक्शन और दो डिस्चार्ज। वो वॉल कैसे तब्दील करने हैं, वॉल रिपेयर करने हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। और यहाँ पर जो है अंदर की साइड पे, इस जगह पे दो दस बोगी चल रही होती हैं, वो बोगी कैसे तब्दील करनी है, बोगी की रिपेयरिंग के बारे में हम आपको बताएँगे, बोगी किस तरह चेक करते हैं। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इसे खोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी ये पुली खोलेंगे। इस पुली का ये वाला बोल्ट हम खोलेंगे जो कि हमने लूज़ कर दिया। इसके बाद इसे, इस पुली को हम इस तरीके से निकाल देंगे। ये पुली इसकी अलग हो गई। अच्छा, इसमें आप ये देखेंगे कि ये पुली वाली साइड का इसका बैरिंग टूटा हुआ है। देखिए प्ले कर रहा है। आप अगर आप गौर से देखेंगे, ये देखें, इसका मतलब है कि ये बैरिंग टूटा हुआ है। तो चलें इसको और मज़ीद खोलते हैं। अच्छा, हमने इसके दोनों साइड के बोल्ट खोल लिए। इस साइड के भी आप देखें, हमने यहाँ से बोल्ट खोल लिए इस फ्लेंच के। अच्छा, अब हम इसकी ये जो डेड प्लग है इसका, ये हम इसकी, इसे हम खोलेंगे। इसे हम एक पेचकस फंसाएंगे साइड, इस तरीके से पेचकस फंसाके से हम निकालेंगे। कि आप देखें, ये हमने पेचकस फंसाके इसको हमने अलग किया, तो कुछ ये इस तरह की शेप की होगी। ये हमने इसे अलग कर दिया। अच्छा, ये आप जब इसका कवर, ये वाला कवर आप यहाँ से हटाएंगे तो आप इसमें देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे ये बोर्ड लगा हुआ है। आप, ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है, तो इस क्रैंक शाफ्ट पे ये बोर्ड लगा हुआ है। आपने इस बोर्ड को खोलना है सबसे पहले। तो इसे हम खोलते हैं। ये बोर्ड हमने तकरीबन खोल लिया है। इस बोर्ड को हमने खोल के आप देखें, ये हमने निकाल लिया। ये इस जगह से ये बोर्ड खुल चुका है। इसके बाद आपने ये साइड कवर इसका हटाना है। आप देखें, इसके अंदर ये बैरिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये इसकी कैम शाफ्ट है अंदर। इसके बाद आपने ये साइड का भी आप कवर हटाएंगे, इसमें भी बैरिंग लगा होगा। आप देखें, ये बैरिंग लगा हुआ है जो कि बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इस साइड पे प्ले था। तो अब हम इसे देखेंगे कि इसके शाफ्ट साइड, ये देखें, ये जो यहाँ बैरिंग बैठ रहा है इसका, तो ये साइज़ कटा हुआ है। तो अब इसकी रिपेयरिंग इस तरीके से होगी कि इस पर वेल्डिंग करवा के, लेथ मशीन पे कट लगवा के इसको बैरिंग साइज़ को दोबारा से सही करवाएंगे। तो इसको मज़ीद खोलते हैं। अच्छा, इसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस साइड पे आपकी पुली लगी हुई थी, तो पुली के अपोजिट साइड से आपने इस क्रैंक शाफ्ट को चोट मारेंगे, तो आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाएगी। ये देखें, ये बाहर आ गई। ये आपका कैम का मेन बैरिंग है, ये भी तकरीबन सही है, इसमें कोई ऐसा प्ले नज़र नहीं आ रहा है। ये बैरिंग भी तब्दील हो जाता है, लेकिन अब इसके अंदर जो मेन फॉल्ट है वो आप इसको देखेंगे। ये देखें आप, इसका बैरिंग साइज़ मुकम्मल कटा हुआ है, ये इस जगह से डाउन है, जबकि ये साइड देखें, ये यहाँ से आपके और यहाँ से डाउन है। आपका बैरिंग इस जगह पे बैठ रहा है, तो आपको ये चेंज करने में पाएंगे। अच्छा, ये पंप की पुली वाली साइड है, इसमें देखें ये सील भी इसकी जो है ना, ये टूटी हुई है। ये इसकी ऑयल सील है, यहाँ से इसकी वजह से ऑयल लीक होता है, और ये इसके बैक साइड पर बैरिंग लगा हुआ है। अब इसकी ये नई ऑयल सील भी नहीं, न्यू लगेगी, और बैरिंग तो सही है, सिर्फ इसकी शाफ्ट को रिपेयर करवाना होगा। तो इसके ऑयल सील ये लाजमी चेंज करवानी पड़ेगी। ये देखें आप, अंदर से ये पूरी कटी हुई है।
इसके लिए जो है आपने यहाँ से इस जगह से आपने कोई शाफ्ट अंदर रखनी है और बैरिंग को चोट मारनी, बैरिंग बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने इस साइड से फिर सामने से आपने सील को चोट मारनी, तो ये सील इस साइड से बाहर आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से, या पेचकस की मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ये बआसानी निकल जाएगी क्योंकि पूरी रबड़ की सील है। ये देखें ये सील भी किसी ने इसमें उल्टी डाली हुई थी। सील की हमेशा पोजीशन इस तरफ से होती है। और इसी तरीके से आपने यहाँ से इसे जो है चोट मारनी, इस तरीके से देखें हमने यहाँ से चोट मारी तो ये बैरिंग आपका बाहर आ गया। देखें यहाँ पर बैरिंग हमने यहाँ से निकाला इसका, इस जगह से, और ऑयल सील हमने यहाँ से निकाली है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, इसमें कोई पार्टिकल वगैरह ना हो। ये बोगी चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला कवर खोलना पड़ेगा। ये दोनों नट खोलेंगे आप तो इसमें बोगी होंगी। देखें आप, ये बोल खोल दिया, ये देखें ये कवर इसका आपने खोल के अलग कर दिया। ये आप देखें सामने बोगी लगी हुई है इसकी। ये इसकी बोगी है और ये इसके अंदर गिलास लगा हुआ है, तो अपन इसे बोगी को खोलते हैं। ये देखें हमने इस पर गोटी लगाई है अंदर नट पे बोगी के, और ये पूरी शाफ्ट खुलेगी क्रैंक शाफ्ट से। ये थोड़ी डीप में चली गई क्योंकि हमने इसके बैक साइड का फंक्शन खोला हुआ है। अगर आप सिर्फ बोगी चेंज करेंगे तो ये सामने फ्रंट पे ही रहेगी। ये हमने इसको खोल लिया, बल्कि ये नट ही खुला है, शार्प नहीं खुली। आपने यहाँ से प्लास लगा के इसकी बोगी की जो मेन शाफ्ट है इसको खोलना है इस तरीके से। देखें क्योंकि इसका नट खुल गया, अक्सर ये नट नहीं खुलता, डायरेक्ट जो है ये क्रैंक शाफ्ट के पिस्टन से जो है शाफ्ट अलग हो जाती है। आपने इसको इस तरीके से पूरा खोल लेना। ये इस वक्त इसकी पूरी शाफ्ट खुल चुकी है। इसके बाद आपने ये देखें इसकी ये बोगी हमने यहाँ से पकड़ के इसको आप लास्ट से नट मैंने वापस लगा दिया हल्का सा ताकि थ्रेड ख़राब नहीं हो। ये से पकड़ के खींचेंगे आप, देखिए पूरी शाफ्ट आपकी बाहर आ गई। ये देखें ये इसकी जो है दो बोगियाँ जो कि बिल्कुल कटी हुई हैं। आप ये देखें इसके किनारों पे कितनी लाइनिंग आई हुई है। देखें ये ख़त्म है बिल्कुल बोगियाँ, आपको ये बोगियाँ नहीं लगानी है। ये हम बोगियाँ हमेशा आप देखेंगे एक बोगी का रुख जो है अंदर की तरफ होगा और एक बोगी का रुख बाहर की तरफ होगा, नट की तरफ। देखें अंदर की तरफ आपने एक वॉशर रखना है, उसके बाद आपने ये बोगी रखनी है, और उसके बाद आपने फिर जो है एक यहाँ पर वॉशर रखना है और ये फिर नट लगा देना है। तो ये और इसी तरीके से आपने ये शाफ्ट को अंदर लगा देना। सेंटर में इस शाफ्ट की ये वॉशर आती है जो कि गाइड वॉशर है, रबड़ की होती है, ठीक है। इसके यहाँ पर ग्लेन डोरी डली हुई होती है इस कप में, हम वो भी आपको चेक करवाएंगे। अच्छा, जब ये आप इसकी शाफ्ट आप यहाँ से इस साइड से आप बोगी की साइड से निकाल लेंगे तो आप ये देखें इसके अंदर जो है क्रैंक शाफ्ट जो है यहाँ से आप इसको खींचेंगे, ये देखें क्रैंक शाफ्ट आ गई और ये इसका पिस्टन बाहर आ गया।
इसमें इस जगह पे जो है आपकी, इस जगह पे आपकी बोगियों की जो शाफ्ट थी इसमें टाइट थी, ठीक है। ये आपका मेन पिस्टन है आपके डोंकी पंप का, और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट का ये वो पिस्टन है। ये आपने इस तरीके से इसका नट खोलना है पानी से। ये आपका ये ग्लेन डोरी का कैप जो है ये आपने खोल लिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर ये डोरियां डली हुई हैं, इसे आपने किसी नुकीली चीज़ से निकालना है। ये मैं सही से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये देखेंगे कुछ इस कंडीशंस में निकल रही है। इसी तरह इसको मुकम्मल खाली करना है आपने किसी नोकदार चीज़ से, पेचकस से। ये देखें आपने यहाँ पेचकस फंसा के इस तरीके से, देखें ग्लेन डोरी आपने निकालनी है। ये देखें ये पूरा राउंड आ रहा है, इसी तरह मुकम्मल आपने निकाल लेनी है। ये देखें ऐसे ऐसे आपने आराम आराम से खींचनी है तो ये पूरा सर्कल बाहर आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से, ये देखें पूरा राउंड आहिस्ता आहिस्ता आपने खींच लेना एहतियात से। इस तरीके से ये देखें पूरी ग्रेन डोरी इसकी बाहर आ गई। ये देखें ये ग्रेन डोरी, अच्छा अब हम इसके वॉल वगैरह भी चेक करते हैं खोल के सही हैं या कोई कचरा वगैरह तो नहीं फंसा हुआ, वॉल कटे हुए हैं या स्प्रिंग टूटे हुए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप ये देख रहे हैं ये वाले बोल्ट जो हैं इनके नट खोलने पड़ेंगे। ये देखें ये रहे बोल्ट, इस तरह ये चार बोल्ट लगे हुए हैं इस तरफ, यहाँ पर भी लगे हुए हैं। ये देखें ऊपर की तरफ ये इस तरह चार बोल्ट हैं, एक गेरा। तो आपने चारों बोल्ट खोल लेने, तो इसे खोलते हैं। ये इसके हेड के हमने मुकम्मल चारों बोल्ट खोल लिए, इसके बाद हम इसे अलग करते हैं। देखें इसके ये एक अदद वाल जो है, आप देखें इसकी वॉशर ये अंदर गिरी हुई और ये वाल की सिर्फ पिन निकली है जिसकी वजह से इसके प्रेशर का फॉल्ट आया होगा, ठीक है। इसके अभी मैं प्लेट वापस से लगा के आपको चेक करवाता हूँ। आप ये देख रहे हैं इसमें जैसे ये लॉक लगा हुआ है, ये देखें तार बंधा हुआ है, ये तो इस वाले वाल का यहाँ से तार निकला है। देखें ये स्प्रिंग इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, ये टेफलॉन का कैप ऐसा लगेगा इसके ऊपर, और यहाँ इस होल के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ एक होल नज़र आ रहा होगा, ये इसके अंदर यहाँ आपने तार एक लगा देना। अच्छा नया वॉल लगाने के लिए अभी फ़िलहाल तो मेरे पास ये पुराना वॉल है, नया वॉल मैं लेके आऊँगा। इसे आपने इस जगह को अच्छे तरीके से पॉलिश कर देना है। अभी इसका ये आप देखें ये पिन का गाइड बुश कटा हुआ है, इसमें काफ़ी प्ले है, ये भी आपने इसको रिपेयर करवाना है। इसका बुश जो है इसमें थोड़ा फिक्स होना चाहिए, फिक्स साइज़ में चलना चाहिए, और वॉल सही है सिर्फ ये जगह पॉलिश होनी है। और उसके बाद आपने इस वॉल को आपने यहाँ से डालना है ऐसे, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना। देखें ये किनारा उभरा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये किनारा उभरा हुआ है, और इस साइड से देखें ये यहाँ किनारा नहीं है इसका। आपने इस किनारे वाली साइड से ये रबड़ वाली साइड आपने यहाँ रखनी है, और आपने इसको इस तरीके से आपने इसको प्रेस करके फिट करना है। और आपने ये स्प्रिंग इसके ऊपर रखा है इस तरीके से, और यहाँ से आपने एक पिन लगा देनी है, तो ये आपका नया वाल लग जाएगा। ये आपने देखें इस तरीके से आपने ये आपने इसके ऊपर ये रखा वॉल की कटोरी रखी है आपने, और ये देखें ये आपने इसके अंदर पिन डाल दी, तार डाल दी, लेकिन ऐसी हो पायदार हो जो पानी से गल के टूटे नहीं,
उसके बाद आपने इसको प्लास से मोड़ देना। अच्छे तरीके से मोड़ देना कि रनिंग में निकले नहीं। वैसे तो इसकी स्प्लिट पिन आती है, वॉल के साथ आती है। उसके बाद देखें अब आपका वाल ये अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ये बैक साइड है इसकी। इसी तरीके से सारे वाल इसके तब्दील हो सकते हैं। आपने इसकी बस सीट की पॉलिश करनी है, सीट सही होनी चाहिए आपकी, स्प्रिंग सही होनी चाहिए, स्प्रिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पर लगा होना चाहिए। इसी तरीके से आपने वॉल तब्दील करना है। इस पंप को हमने मुकम्मल तौर पर खोल लिया। अगर ये इस जगह से एक हमने वाटर सील निकाली जो कि ग्लैन डोरी की बैक साइड पर लगी होती है और गिलास वाली साइड से पेचकस से निकालनी होती है। इस तरह से यहाँ से अंदर प्रेस हुई होती है और इसको भी निकालने के लिए जो है आपने यहाँ से पेचकस का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से निकालना है। तो इस वीडियो में हमने इस पंप को मुकम्मल आपको खोलने के बारे में बताया है और फिटिंग के बारे में भी ज़ुबानी बताया है। इसके बाद हम आपको मेरी नई वीडियो जो इंशाल्लाह लगेगी उसमें हम आपको इसकी मुकम्मल फिटिंग के बारे में बताएंगे। इसे हम मुकम्मल फिट भी करेंगे और इसकी जो शाफ्ट कटी हुई है उसको भी रिपेयर करवा के उसकी फ़िटिंग के बारे में हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएँगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो इसको लाइक करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।